हेलो फ्रेंड्स, आज कुक विथ मी के किचन में बन रहा है ढाबा स्टाइल तड़का। तो बिल्कुल कम समय में तड़का बनाकर तैयार करेंगे, वो भी प्रेशर कुकर में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ढाबा स्टाइल तड़का। तड़का बनाने के लिए हमने 240 ml के कप से 1 कप चने की दाल ले लिया है। इसमें हम पानी डाल के 10 से 20 मिनट के लिए भिगो के रख लेंगे पहले। तो ऐसे ही 10 से 20 मिनट तक पानी में छोड़ दे चने की दाल को। तड़का बनाने के लिए हमने तड़के में लिया है 1 छोटे चम्मच जीरा, 1 छोटे चम्मच काली मिर्च, 2 तेज़पत्ता हमने लिया है, 4 से 5 लाल मिर्च, 2 स्लाइसेस में कटे हुए हरे मिर्च, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ है, 2 इंच अदरक है। लहसुन और अदरक को हम कूट लेंगे, इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे, बस कूट लेंगे इसे। पहले हम लहसुन अदरक को कूट लेते हैं। तो ये हमने लहसुन अदरक को अच्छे से कूट लिया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से दरदरा रखें लहसुन अदरक को। दरदरा कूट के डालने में तड़के का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए तड़के में लहसुन अदरक का पेस्ट ना डालें, ऐसे ही दरदरा कूट कर डालें। तड़का बनाने के लिए 4 बड़े प्याज को हमने स्लाइसेस में काटा है और हमने 2 बड़े टमाटर को स्लाइसेस में काटा है। 10 से 20 मिनट बाद चने के दाल को हमने अच्छे से पानी से धो लिया है। तो अब हम चलते हैं तड़का बनाने के प्रोसेस में। तड़का बनाने के लिए गैस पर रखेंगे एक प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर को अच्छे से गरम कर लें। प्रेशर कुकर हमारा अच्छे से गरम हो गया है, तो 60 ml के कप से 1 कप से थोड़ा सा कम इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। तड़का मस्टर्ड ऑयल में ही बनाए, इससे अच्छा टेस्ट आता है। ऑयल को अच्छे से गरम कर लें। ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो गया है, तो जो हम तड़के के लिए निकाल के रखे थे वो सारा डाल देंगे लहसुन अदरक के साथ। इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से सौते करें। मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल इतना ही सौते कर लेना है तड़के को। अब इसमें स्लाइसेस में कटा हुआ प्याज डाल दें। प्याज को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर ले बीच बीच में चलाते हुए। चार से पांच मिनट हो गया है फ्राई करते हुए प्याज को, तो प्याज का पहले से बहुत कलर चेंज हो गया है। तो अब इसमें क्या करेंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अभी नमक डालने से प्याज अच्छे से पक जाता है। अब इसे अच्छे से चला ले। प्याज को 2 मिनट तक और फ्राई करेंगे थोड़ा थोड़ा। प्याज को फ्राई होते और 2 मिनट हो गया है, तो प्याज हमारा एकदम फ्राई हो गया है। फ्लेम को एकदम लो रखेंगे और इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटे चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटे चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें हम 1/2 ग्लास पानी डालेंगे और सारे मसाला को अच्छे से मिक्स करेंगे प्याज में। सारे मसाला को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसे 5 से 6 मिनट तक फ्राई करेंगे मसाला को बीच बीच में चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे। मसाला को फ्राई होते 1 मिनट हो गया, तो इसे चला लेते हैं थोड़ा सा। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर, इसे अच्छे से चला लें। अब इसे 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें। बीच बीच में चलाते हुए 4 मिनट तक हमने मसाला को अच्छे से फ्राई किया है। अब इसमें 1 छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, इसे भी अच्छे से चला लें। अब इसे और मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक फ्राई करेंगे मसाला को। 1 मिनट हो गया है, फ्लेम को एकदम लो रखेंगे और जो भिगो के चने की दाल रखे थे वो पानी के साथ सारा डाल देंगे इसमें। अब इसे अच्छे से मिक्स करें। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें लास्ट में हम 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा डालने से अच्छे से चना की दाल एकदम पक जाता है। और इसमें 1/2 ग्लास पानी डालेंगे।
ध्यान रहे 240 ml के कप से एक कप चने की दाल लिया था, उसके लिए हमने 2 गिलास पानी डाला है, यानी कि 240 ml के कप से 3 कप हमने पानी डाला है इसमें। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देते हैं। मीडियम फ्लेम पे 3 सीटी तक इसे पका लें। अगर आप बेकिंग सोडा नहीं डाल रहे हैं तो मीडियम फ्लेम पे 6 सीटी तक पकाएं इसे। 2 से 3 सीटी तक हमने पका लिया है, तो अब गैस को बंद कर देते हैं और प्रेशर कुकर को ठंडा होने देते हैं। प्रेशर कुकर हमारा ठंडा हो गया है, तो अब हम चेक कर लेते हैं खोल के इसे। तो चने की दाल को देख लेते हैं अच्छे से पका है कि नहीं। एकदम चने की दाल पक गया है। अब हम तड़के में डालेंगे 1 बड़े चम्मच घी गरम करके। जितना हम ऑयल कम डाले थे 60 ml के कप से, उतना हम घी डाल लेंगे। घी अच्छे से गर्म हो गया है, तो गैस को बंद कर लेते हैं। अब गर्म घी को तड़के में डालेंगे। इसको 2 मिनट तक ढक के रखें। 2 मिनट हो गया है, तो अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब हम तड़के को सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये हमने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। तड़का को जब भी आप सर्व करें तो ऊपर से चॉप किया हुआ प्याज डालें। और बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और स्लाइसेस में कटा हुआ हरा मिर्च। तो ये हमारा बिल्कुल ढाबा जैसा झटपट बनकर तैयार हो गया है तड़का। तो एक बार जरूर मेरे तरीका से तड़का बनाएं। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।